नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़। जिस तरह से लगातार जो राजनीतिक गलियारों के अंदर सरगर्मियां जोरों पर है, वही बात करें उचाना हलका जो कि लगातार होशियार बनी रहती है और यहां पे बड़े बड़े राजघराने जिस तरह से चुनाव मैदान में रहते हैं, तो अब की बार की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से दुष्यंत चौटाला पिछली बार यहाँ से जीते थे और डिप्टी सीएम बने थे, वहीं आज की बात करें तो दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से चुनाव मैदान में उचाना हल्का से। और यहाँ पर बात करें जिस तरह से आप लोग सामने की बात करें, बीजेपी पार्टी की तरफ से अभी जो है यहाँ पर मैदान में है और यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी है जो वीरेंद्र गौघड़िया जी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं वो नाराज थे तो अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। वही हमारे साथ कुछ वो रैली में आए जो शख्स मौजूद है, उनसे हम कुछ जानेंगे क्या उनका मूड है। ताऊजी राम राम। राम 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 भाई राम राम। आज आप दुष्यंत चौटाला जी के प्रोग्राम में पहुंचे हैं, कैसा है दुष्यंत चौटाला? बढ़िया माहौल है जी, बढ़िया है, जमा बढ़िया। अच्छा, बहुत गाड़ी आ रही है गामा में। अच्छा है, नेता कैसा है? बढ़िया नेता है, बढ़िया है। जमदूर किधूर बाप दादा भी सारे मारना कर देते हैं यहाँ पे। और बस साथी मौजूद हैं सर, नमस्कार। अंग्रेजी हुकूमत के साथ अपना साथ दिया, क्या लगता है आपकी बार उचाणा का मूड कैसा मूड है? ठीक लग है। किसका मूड है उचाणा का? दुष्यंत का प्रतीक का। दुष्यंत क्या लगता है एक बार फिर से आएगा? आएगा जरूर। तो क्या अच्छाई है दुष्यंत के अंदर जो आपको? सारी अच्छाई, बढ़िया अच्छाई, बढ़िया बोलकर है, जो बोलता है बीच के बीच में बैठा है सबका, गरीब के बीच में बैठा है, अमीर के बैठा है, सबसे बढ़िया है वो बैठना। कितना फर्क है, असर पड़ेगा इस पे? कुछ नहीं असर पड़ता, कुछ नहीं असर पड़ता, नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से लाएंगे। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन। हाँ जी, क्या मूड है उचाणा का? उचाणा का मूड दुष्यंत जी का ज्यादा लग रहा है, हमारे को ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। क्या विशेष है केंद्र जो एक बार फिर से मूड बनाए? ये दूसरे देवीलाल का रूप है। कुछ लोगों को उचाणा हल्का को दूसरी पार्टियों ने बहकाया है, लेकिन इनमें दुष्यंत जी में और देवीलाल जी में कोई अंतर नहीं है। वही सोच है, वही मेहनत है, वही पढ़े लिखे हूँ, और इससे अच्छा उम्मीदवार इनको नहीं मिल सकता उचाणा को। वो एक बार कांग्रेस की जो लहर चली थी उसका क्या हुआ? कांग्रेस पीछे? हाँ, कांग्रेस की लहर है वो? नहीं, कोई लहर नहीं, यहाँ कोई लहर नहीं, यहाँ कोई लहर, उचाणा में कोई लहर। हाँ। अच्छा, तो ये जो अब जो पीछे आंदोलन चला रहे किसान आंदोलन, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा अभी? किसान में दुष्यंत जी का क्या दोष है? अच्छा, नहीं, इन देखो सेंटर ने कानून लागू किए, सेंटर में साइन करने वाले जो यहाँ से MLA का इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने साइन किए थे। दुष्यंत जी का क्या दोष है बताओ? इसमें कोई दोष नहीं, हम तो नहीं मानते इसमें कोई दोष है, ये जनता को समझना भी चाहिए। किसान नेता ही अब कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो मूड उचाणा का दुष्यंत पे ही जा रहा है? बिल्कुल, दुष्यंत उचाणा के लिए इससे अच्छा नेता नहीं मिलेगा। अब एक अपोजिट में तो वीरेंद्र जो खड़े हैं, हाँ, वो भी यहाँ पे पुराने एक गढ़ माना जाता किला है उनका, लगातार वो भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वो उनका किला रहा था दुष्यंत से पहले, दुष्यंत जी के आने के बाद दुष्यंत से अच्छे नेता उनको नहीं मिलेंगे। वो एक क्षेत्र तक है, ये पूरे हरियाणा के नेता है दुष्यंत जी। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं मूड ये है कि दुष्यंत चौटाला एक तरफा जीता हुआ है और कांग्रेस में तो जो कुत्ता बांट मची हुई है ना, जो बहनजी कुमारी शैलजा का अपमान कर रहे हैं वोटों के लिए, ये दलितों की बात कर रहे हैं, इनको कोई दलितों से मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ और सिर्फ ना अपनी रोटी सेकने से मतलब है। वीरेंद्र का जो लड़का है वो अपना DC बना हुआ है, उसने तो जनता से बदबू आवा है। अब जनता वोट देगी दुष्यंत चौटाला को, लंबे चलने वाला, ये लंबी दूरी का घोड़ा है, काफ़ी लंबे समय तक जनता की सेवा करेगा। इनकी सोच बहुत बढ़िया है, इन्होंने 4.5 साल बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन क्या है भूपेंद्र हुड्डा का दुष्प्रचार और एक जो IT सेल है BJP की और कांग्रेस की, उन दोनों ने मिलकर सिर्फ इन्हीं को गाली देने का काम किया है, जनता को भड़काया है। अब जनता समझ चुकी है कि उनको मूर्ख बनाया गया था, और सिर्फ अब दुष्यंत जी को ही वोट देने का काम करेगी जनता, और इनसे बढ़िया कोई नेता है नहीं। ये एक भविष्य है, इससे पढ़ा लिखा, विदेश में पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, एक आम आदमी के दुख दर्द को समझने वाला, दलितों के लिए बहुत काम किए, किसानों के लिए बहुत काम किए, टाइम पे पैसा मिला। अब सही कह रहे हैं कि मंडी में कोई किसान को पूछता नहीं है, अब सभी के सभी लोगों का एक ही काम है कि दुष्यंत के पीछे पड़ लो,
यही आगे भविष्य है, यही तुम्हारी रोटियां सेकने से मना करेगा। वो तो लुटेरे हैं, अपना लूट के घर भरना चाहते हैं और कोई काम उनका है नहीं। अब तो मैं आपको ये बता दूं कि दुष्यंत की ऐसी लहर चलेगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बार जो किसान नाराज हुए थे पीछे, तो वो क्या, वो श्रीमान जी नाराज नहीं थे, वो कुछ तो अभय चौटाला के गुंडे थे, मैं आपको बता दूंगा, और कुछ थे वो कांग्रेस पार्टी के, वो जो कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल है और एक जो अभय चौटाला के लोग थे, उन्होंने 5-7 गांवों में ना ऐसी बदतमीजी कर दी, अदरवाइज ऐसा कुछ था ही नहीं। किसान तो वो थे ही नहीं, वो तो सिर्फ 2-4 किसी के पाले हुए गुंडे थे, बदमाशी करना। अब आप एक बताओ, क्या किसान किसी को ईंट मारता है? नहीं, किसान क्या किसी को ईंट मारता है क्या? किसी गाड़ी को, नैना जी की गाड़ी पे हमला किया गया, वो कोई किसान थोड़े थे, वो तो 2-4 मस्टंडे थे, उन्होंने सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए। और पता क्या बात है, भूपेंद्र हुड्डा को भी पता है कि तेरे बेटे को अगर कोई शक्ति रोक सकती है तो वो दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला वास्तव में हरियाणा की एक बढ़िया आवाज़ है, एक भविष्य है, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इस बार अच्छे मतों से जीतेंगे और डेफिनेटली हरियाणा के सीएम बनेंगे। तो हरियाणा में कितनी सीट आ सकती है जेजेपी की? हाँ जी, कितनी सीट आ सकती है? हरियाणा 20+ सीटें जीतेगी जी, और राज की चाबी इनके पास होगी, 20+ सीटें जीतेगी और इनका राज में हिस्सा होगा, इनके बगैर राज नहीं बनेगा जी। क्या कहना चाहेंगे, आज आप रैली पहुंचे हैं, आप आज आप यहाँ रैली पहुंचे हैं, युवा हैं, दूसरे तक युवा चेहरा है, तो क्या मूड लग रहा है उचाणा का? बढ़िया मूड होगा सर, बढ़िया मूड, बढ़िया जमा। तो क्या लगता है अब की बार दुष्यंत फिर से रास्ते लग होगा? जीतेगा दुष्यंत, हाँ जमा क्लियर जीतेगा। अच्छा, किसान आंदोलन का असर नहीं दिख रहा? जो किसान आंदोलन का असर था वो खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ जी, 1% भी किसान आंदोलन का कोई रोसा नहीं रह रहा है। दुष्यंत चौटाला एक तरफा जीतेगा मूल है बिल्कुल, और युवा शक्ति के साथ मिलकर चलने वाले दुष्यंत चौटाला, क्योंकि सबके साथ मिलकर चलता है, किसी का विरोध नहीं करता, सब ईमानदार नेता है। उचाणा हल्का में काम बहुत कराया रखे इसने जिला के, इस करके हम दुष्यंत के साथ हाँ रहेंगे। दुष्यंत सरकार, अच्छा वो यहाँ पे हमने युवा साथियों से बात की, कुछ बुजुर्ग साथियों से और बात करना चाहेंगे, कुछ साथी और मौजूद हैं जी। क्या मूड है उचाणा का आपकी बात? हाँ जी, दुष्यंत की जीत हो गई जी, जीत हो गई। हाँ जी, जो किसानों में जो विरोध था दुष्यंत को लेकर, जो रोष था, उसका असर नहीं है चुनाव पे? नहीं नहीं, इसका कोई असर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की वो थी, जितने किसान बैठे थे कांग्रेसी थे वहाँ पे, अब विजेंद्र सिंह ने वहाँ पे ट्रैक्टर रैली काटी इसके, उसमें किसान के उसमें वहाँ पे साइन विजेंद्र सिंह ने किए, दुष्यंत चौटाले का तो कोई उसमें वो नहीं था। ये तो विजेंद्र तो फिर एक बार फिर नहीं, विजेंद्र मैदान में है उचाणा से एक बार फिर? हाँ जी, ब्रजेंद्र मैदान में है। हाँ ब्रजेंद्र मैदान में, फिर ब्रजेंद्र सिंह आ रहे, जिम्मेदार ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ है। अच्छा, हाँ उस दुष्यंत के, दुष्यंत के साथ है जिम्मेदार। तो एक बार फिर से, हाँ एक बार फिर से दुष्यंत बहुत बहुत से जीतेगा। तो क्या क्या खास है इस छोरे में? बहुत बढ़िया नेता, ईमानदार नेता है ये, बहुत बढ़िया नेता। हाँ सीएम बनागा? अच्छा, हाँ सीएम बताओ जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, सीएम कह रहे हैं बनेंगे। हाँ, ये पढ़ा लिखा लड़का है और बड़ा वर्कर के साथ मिलजुल के चलता है, इसमें किसानों का क्या कसूर किया है? इसको तो सभी पार्टियां वैसे दोषी ठहरा रही हैं। किसानों का दोषी अजय ब्रजेंद्र सिंह है, जिसने उस बिल पे साइन किए और उस बिल किए में ट्रैक्टर रैली निकाली, और 50 साल के दौरान ब्रजेंद्र सिंह ने और उसका परिवार ने इस हल्के में क्या किया है? इस ये यहाँ से विधायक बने और उप मुख्यमंत्री बना थे, 1200 करोड़ रुपया काम किया इस हल्के में, यहाँ पेयजल ये व्यवस्था सुधारी, सड़कें सुधारी, आज उचाणा में 18 फुटी कच्चा कत पट्टी वाली सड़कें बनी हुई हैं, कहीं भी खड्डा नहीं, चाहे आप आँख मीच के गाड़ी चला लो। और बढ़िया पढ़ा लिखा बुद्धिजीव और वर्कर के साथ मिलनसार है। पहले तो ये 47,000 से जीतता था, अब की बार 50,000 से जीतेगा। ये जो रावण जी आए हुए हैं यहाँ पे, जिसको जो चंद्रशेखर आजाद है, तो वो आज पहुँचे हैं रैली के अंदर, और साथ इनका गठबंधन रहा है, तो कितना असर पड़ेगा? दोनों मिलके चलेंगे? दोनों मिलके किसान कमेरा और किसान वर्ग दोनों जुड़ गए हैं, इससे कम बहुत ज़्यादा लले बेनिफिट मिलेगा। जो मैं कह रहा था नहीं, पहले 47,000 से जीता था, अब की बार 50,000 से जीतेगा। ये जो चंद्र सिंह चंद्रशेखर आया है नहीं, इसी की वजह है जो हमारी
बढ़त और बढ़ गई है। अच्छा, हाँ मूड है उचाणा का। हाँ मूड है पक्का उचाणा का, इसको विधायक बनाएंगे और ये सीएम बनेगा। आज आप पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला की रैली में, तो उचाणा का क्या मूड लगता है? उचाणा दुष्यंत दुष्यंत है, क्या विशेष है दुष्यंत में? जो पीछे जो एक विरोध की लहर चली थी दुष्यंत के खिलाफ, वो तो एक षड्यंत्र था। हाँ जी, षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। क्या इन लोगों ने कांग्रेस का आवेदन भरा था? लोगों की आंखें खुल गई हैं, खुल गई। तो आप दुष्यंत को चाह रहे हो? दुष्यंत पक्का मूड है। आज ये कांग्रेसी है, आज उचाणा हल्का पहुंचे थे, और जैसे कि लाइव तस्वीरों में कैमरामैन को बोलूंगा एक बार दिखाए जिस तरह से मंच के ऊपर जो है जो है दुष्यंत चौटाला जी और जो चंद्रशेखर आजाद जो कि जाने जाते हैं, वही जो अजय चौटाला जी भी पहुंचे हैं, और लगातार जो है यहाँ पर पूरा जो चुनावी रण के अंदर अपना दमखम लगाते हुए, और आज उचाणा की जो यहाँ पे अनाज मंडी के अंदर यहाँ पे इन्होंने रैली का आयोजन किया है, जिसके अंदर यहाँ पे बैठे जो लोग हैं उनसे हमने बात की, तो उनका क्या मूड है? हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया क्या लोग चाहते हैं, क्या मूड है, क्या उनका कहना है, वो हमने आपको निष्पक्ष अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। अनिल ढांडा की एक न्यूज के लिए उचाणा से ये रिपोर्ट।